हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने किस टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, मेंसुरेशन 3D में आप सभी लोगों के एग्जाम में सिलेंडर यानी बेलन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, और मैं क्वेश्चन हमेशा वही सेलेक्ट करता हूं जो रिसेंट आपके एग्जाम में आया हो। तो फ्रेंड, चाहे एसएससी जीडी हो और चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बस शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको मैं आज फार्मूला सिखाऊंगा और फ्रेंड्स, एग्जाम में आप किस तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यानी आज इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का फ्रेंड्स मैं दो तरीका आपको सिखाने वाला हूं। तो यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए सिलेंडर यानी आप सभी लोगों के एग्जाम में फ्रेंड्स बेलन से हमने कहा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, सिलेंडर का आयतन कितना होता है यानी इसका वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जिन बच्चों को याद होगा। देखिए फ्रेंड, जब तक फार्मूला नहीं याद है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया आयतन। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, सिलेंडर के फ्रंट से जो वक्र पृष्ठ होता है इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? तो इसका जो फ्रंट से आप सभी लोगों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 पाई आर एच। अगर हम देखिए फ्रेंड्स सिलेंडर की बात करते हैं तो देखिए सिलेंडर आपका कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे मैं यहाँ पे फिगर यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है। देखिए फ्रेंड्स, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस यानी आपकी क्या है, ये त्रिज्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या है, हाइट है। ये क्या है, हाइट है। इसी को गहराई भी कह सकते हैं, हाइट को ही गहराई कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। और ये जो ऊपर नीचे है फ्रेंड्स, ये सब आपका क्या है, एक सर्कल है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों का कितना होता है, तो आपका एक तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच होता ही होता है प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर नीचे क्या लगा है, सर्कल, तो यानी 2 सर्कल है। तो 2 सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 सर्कल है तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स आपका 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रेकेट में, एच प्लस आर। तो फ्रेंड्स ये तीन फार्मूला है, तीनों आपको याद रखना है। अब एक बात ध्यान से और समझिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको इस तरीके से सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हर फार्मूले में पाई दिख रहा है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जिस भी फार्मूले में पाई दिखेगा फ्रेंड्स, पाई का मान होता है 22/7, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स पाई में देखिए 22/7, 22 किसका मल्टीपल है, 11 का। तो फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा सबसे पहले प्रियोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए, एग्जाम में पहली अप्रोच यही रहनी चाहिए कि ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन कट रहा है तो अति उत्तम है, अगर 2-3 ऑप्शन कट रहा है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को फ्रेंड्स आई होप कि पता होगा कि कोई भी संख्या जैसे आप सभी लोगों को दी गई है और उनके देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं बात करूं कि ऑड प्लेस का सम लेना है और इवन प्लेस का सम लेना है और उन दोनों के सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर है, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आप लोग वीडियो को रोककर खुद से करने का प्रयास किया करिए। और फ्रेंड्स मैं हमेशा वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जो रिसेंट आपके पेपर में पूछा गया हो। और एक क्लास मेरी शाम को 7 बजे आती है जिसमें मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराता हूं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है एक बंद बेलन है जिसके आधार का व्यास, व्यास देखिए फ्रेंड्स डायामीटर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका आधा होता है, तो एक बात का ध्यान देना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10। हाइट आपको कितना दिया है, 11। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है,
तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 1 4 हो गया और 3 में 0 से जोड़ेंगे 0, बीच का डिफरेंस 1 आ गया, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 1 3 आ गया, 3 में 0 हम जोड़ेंगे तो यानी 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया, ये ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स यहां पर देखिए 2 1 3 5 3 8, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। 1 1 2 5 3 8, दोनों के बीच का डिफरेंस 6, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, बी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन वही सेलेक्ट किया जो जैसा कि बताया प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते ही एक ही ऑप्शन सही था, बाकी कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रेकेट में क्या होता है h+r। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, 2 पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 22/7। रेडियस आपकी कितनी आ गई, 10। अब देखिए फ्रेंड्स, रेडियस और हाइट को जोड़ देंगे तो 10 एक कितना हो जाए, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21। 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। तो अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 3 2 6 यानी 22 गुणे कितना हो जाएगा आपका 60। 3 2 6 10 में 60 गुणे 22। तो देखिए फ्रेंड, 0 6 2 12 की 2 हासिल लाइन, 1 6 2 12 1 13, 1320 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले 11 से ही चेक किया करिए, 5 4 9 4 2 6 ये नहीं होगा, 5 5 10 6 2 8 2 आ गया, ये भी नहीं होगा, 8 5 13 8 2 10 3 डिफरेंस, ये भी नहीं होगा, 5 3 8 6 2 8 यही होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी फ्रेंड्स कैसे लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7। आपको रेडियस कितना दिया गया है, 17, और ऊंचाई कितना दिया गया है, 49। 7 से काट देंगे तो 7 7 49, 22 2 44 और 17 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 119। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 आए। और देखिए फ्रेंड, दो ऑप्शन ऐसे भी इलिमिनेट कर सकते हैं, मान लो दो ऑप्शन सही हो तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 5 2 3 6 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑप्शन से करिए, 4 1 5 8 8 16, 16 5 के बीच का डिफरेंस 11, ये हो सकता है, 8 1 9 8 4 12, 12 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, 8 1 9 8 4 12 यानी ये भी नहीं होगा, 4 1 5 9 8 17 12 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, पहला वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन SSC GD 2022 के हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, 3:2 क्या दिया है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, यहाँ पे हाइट और किसका सॉरी रेडियस और हाइट का रेशियो है, रेडियस और हाइट, मेरा त्रिज्या 3 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 21, कितने गुना है, 7 गुना, तो हाइट भी फ्रंट 7 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 14। अब लगा दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 22/7, रेडियस कितना दिया है 21, हाइट कितना दिया है 14, इसी को कैलकुलेट कर देंगे फ्रेंड्स, 7 3 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 6 6 गुणे 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 132, 132 गुणे कितना कर देंगे, 14, 132 गुणे 14 कर देंगे फ्रेंड्स, 14 कितना जाएगा, 1848 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, आप कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स मैं ये भी आपको सिखा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन सेंटीमीटर में गणना कीजिए। अब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने बताया है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही बताया है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, पहले 11 से चेक करिए,
एक दो एक तीन जीरो, तीन तीन छः, छः और तीन के बीच का डिफरेंस तीन ये नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीन एक चार और तीन एक डिफरेंस ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं तीन एक चार और दो दो चार, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो यही ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं दो एक तीन और दो, तीन और दो के बीच का डिफरेंस एक ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? सी वाला। बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7, त्रिज्या 14 है तो आर स्क्वायर है तो 14 × 14, हाइट 20 है तो × 20 कर दो। अब देखिए फ्रेंड्स 7 × 2 = 14 यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ से 22 × 44 × 88, 880 × कितना कर देंगे 14। 880 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12320 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपसे तो रेडियस पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 2640 cm³ आयतन और 21 cm ऊंचाई वाले एक बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स आयतन बराबर क्या होता है, यानी 2640 बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख दीजिए 22/7, मुझे रेडियस चाहिए तो आर स्क्वायर, हाइट आपको कितना दिया गया है 21। अब हल कर देते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स 7 * 3 = 21, इसको 22 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 22 * 91 = 22 और 22 * 2 = 44 = 120। 3 से काटेंगे 3 × 4 = 40। अब देखिए फ्रेंड्स आर स्क्वायर बराबर क्या है 40। अगर देखिए फ्रेंड्स ये 36 होता तो इसका मतलब कितना आ जाता, 6। ऑप्शन वही सही होगा जो 6 से बड़ा हो। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? डी वाला है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स एग्जाम में भी आपको सेंस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 cm² है, इसकी त्रिज्या 7 cm है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान समझिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपसे क्या, देखिए फार्मूला होता क्या है, 2πrh। अब पाई से चेक करिए, देखिए फ्रेंड्स 7 2 9 9, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो ये हो सकता है, 5 2 7 6 के बीच का डिफरेंस एक ये नहीं होगा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, यहां पर देखिए फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? पहला वाला। अब देखिए फ्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2π का मान कितना होता है? अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पहले उसको लगाइए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप रखेंगे तो मुझको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस तो आपको दिया है, हाइट अभी मुझे नहीं पता है, तो मुझे हाइट निकालना पड़ेगा। ये भी फ्रेंड्स आप सभी लोगों को थोड़ा सा सेंस आप लोग भी लगाया करिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 1100 इज इक्वल क्या होता है 2πr, 2π का मान रख देंगे 22/7, रेडियस 7 दिया है तो h प्लस कितना होता है r होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी h प्लस कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 से काटिए, 11 2 = 22, इसको 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए h प्लस 7 = 25, तो h बराबर 25 में से 7 घटा देंगे तो हाइट कितनी आएगी 18, तो इंटू यहां पे रख दीजिए 18। तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, 44 × 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का 792 cm² ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 m³ है, आपसे कह रहा है इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, व्यास 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 मीटर, तो इस टैंक की गहराई, गहराई का मतलब हमने कहा फ्रेंड्स हाइट से है, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन दिया है 6160 इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस आपका 14 है तो फ्रेंड्स 14 × कितना हो जाएगा 14, और मुझको हाइट ही चाहिए तो × h, 7 से काट देंगे फ्रेंड्स 7 × 2 = 14, इसको देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 × 2 = 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 0 आ गया।
अब 14 से काट देंगे फ्रेंड्स, 14 चौके 56 होता है 40, 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा 10। तो हाइट कितनी आ गई फ्रेंड्स, 10 मीटर आ गई, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बड़ा ही शानदार है और महत्वपूर्ण भी है, ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 21 मीटर है। आपसे कह रहा है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे जो रंगेंगे, हमेशा ध्यान देना, अगर ये भी ना कहे तो वक्र सतह का मतलब आप समझ गए कि 2πRh, हमेशा सतह किनारे चारों तरफ ही रंगी जाती फ्रेंड्स, ऊपर नीचे नहीं रंगा जाता, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 8, 4, 12 और 9 दोनों के बीच का डिफरेंस 3 नहीं होगा, 8, 5, 13, 13 और 2 के बीच का डिफरेंस 11 हो गया, तो फ्रेंड्स ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 9, 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14, और 4 के बीच का डिफरेंस 10, ये भी नहीं होगा, 5, 3, 8 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा कौन सा 5280। बाकी कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स मैं ये भी सिखा रहा हूँ। 2π का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस देखिए व्यास 10 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो इनटू कितना हो जाएगा 5, और आपको हाइट कितना दिया है फ्रेंड्स 21, ऊंचाई 21 मीटर है, 8 रुपए प्रति दर की दर से चाहिए तो इनटू 8, 7 से काटेंगे 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 3 = 30, 8 × 3 = 24 यानी 240, और गुणे कितना कर देंगे 22, तो 22 से 240 में गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना जाएगा 5280 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि या आप सभी लोगों को कमी ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो फार्मूला होता है 2πRh, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25% मतलब 25/100 कर देंगे तो 25/100 करेंगे 1/4, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 5% का मतलब 1/20, तो किससे गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स तो इसका मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 3/20 होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब देखिए फ्रेंड्स रेडियस पहले जो नीचे रहती है 4 थी, 1 बढ़ गई तो यानी कितनी हो गई 5। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं किसकी, पहले सबसे पहले हाइट 20 थी, 3 कम हो गई कितना हो गया 17, तो सबसे पहले एरिया कितना था 20 × 80, अब कितना हो गया 85, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कमी तो होगा नहीं, वृद्धि ही होगा। अब 80 से 85 कितना बढ़ गया 5, कितने में फ्रेंड्स 80 में इनटू क्या कर देंगे 100, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, 2 से काटेंगे 2 × 8, 2 × 5 = 10, 5 × 25, 25 में 4 से भाग कर देंगे 4 × 6 = 24 यानी 6.25% क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को, जैसा मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क लाता हूं तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मेरे नंबर पे, इस नंबर पे आप सभी लोग फ्रेंड्स अपने डाउट भेज सकते हैं जिस पे मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यही तो होता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स आयतन का फार्मूला होता है πr²h, ये तो कॉन्स्टेंट है, रेडियस r² है, तो देखिए फ्रेंड्स रेडियस 2 से कितना हो रही है 3, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 से
9, क्योंकि फ्रेंड्स आर स्क्वायर है, इस बात का ध्यान देना। तो 4 से 9 हो गई, हाइट 50% कम कर दी गई। तो यानी इसका मतलब पहले हाइट 2 थी, एक कम कर दिया गया तो कितना बचा, एक। तो इसका मतलब एरिया पहले 8 था, अब कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 हो गया। तो कितना बढ़ गया आप सभी लोगों का, एक कितने में, 8 में, इंटू कितना कर देंगे, 100। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12.5% इंक्रीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।